ब्लू यही वाला एक की ना जिप थोड़ी सी खराब है, उसको रहने देना। पैकिंग बच्चे कर रहे हैं अपनी अपनी पैकिंग और मैं भी बस फ्री होके थोड़ी देर में करती हूँ। आई एम सो हैप्पी और मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं वेकेशंस पे, जैसे कि सबको पता है कि समर वेकेशंस चल रहे हैं और हमारी 20 समर वेकेशंस जो है वो यहीं पर बीत चुकी हैं क्योंकि हमारे कुछ काम फंसे हुए थे तो उनको करने के चक्कर में आधी छुट्टियां यहीं बीत गई हैं। तो अब मेरे मम्मा पापा रोज़ मुझे कॉल कर रहे हैं कब आ रही हो कब आ रही हो, और मैं रोज़ उन्हें बोलती हूँ कि कल आ रही हूँ परसों आ रही हूँ, और ये करते करते बहुत टाइम बीत चुका है। तो फाइनली वो दिन आ गया है जब हम पैकिंग कर रहे हैं, और पैकिंग करते करते इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ, मन में इतनी खुशी है क्योंकि साल में एक बार ये टाइम आता है समर वेकेशंस का जब मैं जाती हूँ अपने मायके। मुझे नहीं पता कि किसी को कितनी खुशी होती है, पर मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि जो मेरा मायका है, आजकल पंजाब में जो टेम्परेचर चल रहा है वो है 45 डिग्री और वहाँ का जो टेम्परेचर है वो है 30 डिग्री बस, क्योंकि वहाँ पर इस टाइम बहुत ठंड का मौसम चल रहा है। तो समर वेकेशन इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द ईयर फॉर मी। जब मैं अपने बच्चों को लेके जाती हूँ हिमाचल, मेरा जन्म वैसे और पढ़ाई सब यहाँ पंजाब की है, लेकिन बेसिकली जो रूट्स हैं हमारी वो है हिमाचल की, क्योंकि मेरे मदर फादर वहाँ के हैं और वहीं पे रहते हैं। तो वहाँ की जो नेचुरल हवा है, जो वहाँ का इन्वायरमेंट है, वो बहुत ही प्यारा, बहुत ही ठंडा, बहुत ही नेचुरल। यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, चंडीगढ़ इज़ द बेस्ट प्लेस यस, बट जो वहाँ मज़ा आता है ठंडी हवा में पहाड़ों की सैर करने में वो यहाँ नहीं आता, क्योंकि साल में एक बार जाना होता है तो इन्जॉय करना बनता है। तो अभी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं आपको अपने साथ लेके जाऊँगी हर जगह पे, अपनी मम्मा से मिलाऊँगी क्योंकि मेरी माँ बहुत प्यारी है। दुनिया की सारी माएँ बहुत प्यारी होती हैं, और मैं कई बार उनकी बात करती हूँ तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ क्योंकि साल में एक बार ये टाइम आता है जब मैं अपनी मम्मा पापा से मिलती हूँ, अपने भाई भाभियों से मिलती हूँ, तो बहुत खुशी होती है। सबको ही होती है, शायद मेरी एज इतनी हो गई है, मेरे बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन आज भी मेरी माँ को उतनी ही खुशी होती है हमारे आने की। और जब मैं वहाँ पर जाती हूँ तो उनको बिल्कुल ऐसे मुझे ट्रीट करते हैं कि जैसे मैं आज भी एक छोटी सी बच्ची हूँ। उनके हाथों का बना हुआ खाना, उनके हाथों की बनी हुई हिमाचल की चीज़ें, जो वहाँ का कल्चर है, वो फूड, वो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, मेरे बच्चे बहुत इंजॉय। थप्पड़ भी पड़ता है उनके हाथ कह रही है उनके हाथ से थप्पड़ भी पड़ता है मम्मा को। तो हाँ, वो मेरी मम्मा है, वो मुझे मार सकते हैं। वो मुझे बहुत बार बोलते थे कि ऐसा मत सोचना कि तुम्हारी शादी हो गई है तो मैं तुम्हें मार नहीं सकती, जब भी तुम गलत बात करोगे तुम्हें चाटना पड़ेगा। और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ उनकी बातें, उनका प्यार। तो आप मेरे साथ ज़रूर रहिएगा, बने रहिएगा मेरे चैनल पे, और प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो अभी हम बस पैकिंग करने वाली हैं और मैं अपना बैग कैसे पैक करती हूँ आज मैं आपको वो दिखाऊँगी। एक्चुअली हम तीन लोग हैं, बच्चे जा रहे हैं और मैं जा रही हूँ, और बैग हम एक लेंगे बड़ा, उसको इस तरह से पैक करेंगे कि तीनों का सामान एक ही बैग में आ जाए, क्योंकि बहुत सारा सामान लेके जाना मुझे ठीक नहीं लगा। जब हम ट्रैवल करते हैं तो जितना कम से कम सामान हमारे पास होगा उतना ही बेटर है। तो चलिए फटाफट पैकिंग करते हैं। वेरी गुड बॉय, इसको रोल थोड़ा टाइट करो, रोल नहीं हो रहा। तो कम स्पेस में ज़्यादा पैकिंग हो जाए उसके लिए मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ जिप लॉक बैग्स। ये मेरे पास बड़े वाले बैग्स हैं, उनमें हर तरह के कपड़ों को, जैसे कि जो आपके पास लोअर्स हैं, आपकी टी शर्ट्स हैं,
इवन कि आपकी कुर्तीज़ हैं, सबको मैं इस तरह से रोल करके बैग्स में डालती जाऊंगी। इसी तरह से बच्चे भी अपना बैकपैक। फॉर्मल के लिए इस्तेमाल करती हूँ मैं सिर्फ कुर्तीज़, साथ में दो जीन्स ले लेती हूँ या स्लैक्स ले लेती हूँ। सलवार सूट दुपट्टा वो मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं, तो इसलिए बेटर वे है कि कुर्तीज़ इस्तेमाल करूँ। मेकअप के लिए एक छोटी सी किट लेती हूँ जिसमें अपना सारा मेकअप का सामान मैं डाल देती हूँ। सफ़र के वक्त बच्चे साथ में होते हैं तो ज़रूरी है कि आपके पास एक फ़र्स्ट एड बॉक्स हो जिसमें एंटीसेप्टिक लोशन और क्रीम और कुछ बैंडेजेस होनी चाहिए। तो ये मेरे पास एक हैंडबैग ऑर्गेनाइज़र है जिसमें कि मैं अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। ये वो सामान है जो मेरे को सफ़र के दौरान चाहिए होता है, तो इसको मैं अपने पास रखती हूँ। मैं इस तरह वन बाय वन सारा सामान इसमें ऐड करती रहूँगी। प्रोसीजर मेरा पैकिंग करने का था वो सेम बच्चों का था। इस तरह से हमारा एक ही बैग में सबका सामान आ जाएगा। तो पैकिंग डन होने के बाद मैं आ गई हूँ सुपरमार्केट। यहाँ से मैं कुछ स्नैक्स वगैरह लूंगी, बच्चों को सफर के दौरान कुछ चाहिए होता है, और साथ ही कुछ गिफ्ट ले रही हूँ, कुकीज ले रही हूँ अपने नेफ्यू के लिए।